सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के विच नामजद लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस दे उत्ते इल्जाम ने कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड का साजिश घड़ है उस उत्ते हुण होर इल्जाम लग गए। लॉरेंस बिश्नोई नूं तत्काली रूप दे विच वापस दिल्ली स्पैशल सैल कोलों रिमांड ते लिआंदा गया। जानकारी मुताबक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं हुण दिल्ली पुलिस दे कोल दिल्ली स्पैशल पुलिस दे कोल न्यायिक हिरासत दे उत्ते चक लिया गया, हिरासत विच लै लिया गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਥੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ते इल्जाम वड्डे लगे ने और सूत्रां मुताबक दिल्ली हाउस कोर्ट दे विच मामला जांदा, सुनवाई हुंदी है, 4 दिन दा पुलिस रिमांड ते दिल्ली दी स्पैशल जांच टीम स्पैशल पुलिस फोर्स दे कोल लॉरेंस बिश्नोई दा रिमांड मिल जांदा और नाल दी नाल रिमांड खत्म होण तों बाद हुण 14 दिनां दा पुलिस रिमांड भी जिहड़ा है ओह दिल्ली स्पैशल पुलिस वल्लों हासिल कर लिया गया। इस पूरे मामले नूं लै के लॉरेंस बिश्नोई दीआं मुश्किलां लगातार वधदीआं जा रहीआं ने, जिथे लॉरेंस बिश्नोई दे वकील वल्लों बार बार यही कहना है कि झूठे केसां दे विच फसाया जा रहा है, जबकि दूजे पासे वारो वारी आपो अपने ज़िले की आपो अपने सूबे की पुलिस जिहड़ी है वो अपना दा लाउंदी दिखाई दे रही है। सिद्धू मूसेवाले कतलकांड तो बाद जिहड़ी लड़ी शुरू हुई है अजे तक खत्म नहीं हुई, वख वख थावां ते लॉरेंस बिश्नोई नूं हिरासत दे विच लिया जा रहा है। हुण दिल्ली स्पैशल पुलिस दे कोल दुबारा हिरासत दे विच पहुँच गया लॉरेंस बिश्नोई। हुण देखना होगा कि इस तों बाद किहो जी कार्रवाई नूं अंजाम विच लिआंदा जांदा है। जो कुछ भी होएगा तुहानूं दसदे रहांगे, बने रहो वन इंडिया पंजाबी ते। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।